हमने ऑर्डर किया था मील्स ऑन व्हील्स। उतर जाएंगे दो मिनट। अरे दिख रहा होगा ना, हाथ में डब्बा लेके खड़ा होगा। हमें डोर पे हुई ब्लैक टी शर्ट में खड़े हैं। गंजा साथ भी खड़ा हो तो अरे बोल दे, गंजा साथ भी खड़ा है। हाँ सही में पहचान में आ जाएंगे। सही बोल दे बहन, हिम्मत शर्मा की जीजा जी है, कैसे गंजा बोलूं। मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। मेरी हो चुकी है पैकिंग और मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों, क्योंकि बाकी लोग दिल्ली जा रहे हैं। हाय सारिका। हाय। पापा उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग। तो सब लोगों को मैंने उठा दिया कि हम लोग थोड़ा सा एक घंटा डेढ़ घंटा बैठ जाते हैं, उसके बाद मैं निकलूंगी। धीरे धीरे करके सब लोग आ रहे हैं, मम्मी वगैरह भी आ रहे हैं। अब तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, ये संभावना जा रही है मुंबई, मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा और सबके साथ दिल्ली। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि दो काम है, एक तो मुझे मिट्टी को ड्रॉप भी करना है, वो भी हो जाएगा, और दिल्ली में मुझे एक इवेंट अटेंड करना है, तो मैं अगले दिन मुंबई पहुंच जाऊंगा। बट इस तो मैं आज जा रही हूँ, अविनाश कल पहुंचेगा, लेकिन आज अविनाश सबके साथ एंजॉय करता हुआ पहुंचेगा। मैं अकेली सड़ रही हूँ, तो मैं अकेले सड़ते सड़ते पहुंच जाऊंगी। पापा कुछ कह रहे हैं आपको इस ट्रिप के बारे में, कैसा रहा? बहुत अच्छा ट्रिप था, पहली बार हमने इतना एंजॉय किया है। लेकिन बोले तो कुछ भी नहीं, इसी ट्रिप में आप पापा कुछ भी नहीं बोले हो। और जो इस बार दर्शन हुए हैं वो बहुत अच्छा था दर्शन। हम जब तक बैठे थे वो देखते ही रहे वहाँ का। सारिका पहला फैमिली ट्रिप टुगेदर कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत मजा आया, बहुत मजा। ऐसे ट्रिप और बहुत बनने चाहिए। मम्मी भी आ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये क्या ले आई हो आप? अरे चूड़िया लिए मम्मी ने, मेरे लिए चूड़िया भी लिया। थैंक यू मम्मी। घर से चूड़ा भून के। ओहो कुछ नहीं, आप बैठो पहले, चाय पियो, चलो आओ। ये कह रहे थे कि कोई नहीं तो संभावना तो खाएगी, टेस्ट जरूर करेगी। और क्या उसमें? बादाम है, उसमें मूंगफली है। मम्मी का जो इतनी आवाज कम देख रहे हो ना आप लोग, सुन रहे हो, मम्मी का ना गला बहुत खराब है, तो पूरे ट्रिप में गला बहुत ज्यादा है। गुड मॉर्निंग निशा। इसने सबको उठाया है या आप लोग उठे हुए थे? क्यों उठा दिया यार, चुपचाप चली जाती है। कह रहे चुपचाप चली जाती है, अचानक में चली जाती है, तुम लोगों को मारना पड़ता है, कितना दुख होता। 9 बजे के बाद क्या ही होता। मैं 8 बजे उठ गई, आप लोगों को अभी 9 बजे उठाया। 9 बजे कम है तो 1 घंटे में तैयार हुई, इसने मेरी पैकिंग कर दी। सब जगह हमें जल्दी जाना था तो हम 9:30 उठते थे, इनको जाना है इनके लिए हम 9 बजे ही उठ रहे हैं। कहाँ है गाड़ी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीआईपी जा रहा है जी। सब लोग छोड़ने जा रहे हैं, मतलब छोड़ने आए नीचे, लेकिन मैं और मिट्टी गाड़ी में जाएंगे साथ में। अरे रोने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत दुख रहेगा कि मैं नहीं हूँ साथ में, लेकिन आप लोग मेरी कमी को महसूस करना। ट्रेन की जर्नी में मेरे को 2-3 बार मेरा नाम ले लेना। संभावना को छोड़ के मैं और मिट्टी निकल गए। मुझसे कह रही है कि रास्ते में जाते हुए मिट्टी को थोड़ा कॉफी वॉफी पिला देना, अपनी इच्छा है, उसमें थोप रही है। कॉफी खुद को पीनी है, इसको क्यों पिला दे कॉफी भाई, हम तो चाय पी। संभावना को छोड़ के अब नहाऊंगा, पैकिंग करूंगा, सबकी हो गई है, फिर निकलना है। तो जी मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है और मैं पहुंच गई हूँ। देख रही हूँ कोई लाउंज वगैरह मिल जाए या अच्छा कॉफी शॉप, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चली, मैं आगे जाके मिलती हूँ आपको। तो जी ये कैपेचिनो नहीं है, ब्लैक कॉफी है जो मुझे मिल गई है। फाइनली एक अच्छी ब्लैक कॉफी मिल गई है। लाउंज में उल्टा कोई कॉफी नहीं थी, यहाँ पे मशीन है,
और बहुत क्यूट सा एयरपोर्ट है। आई थिंक ये और डेवलप कर रहे हैं अभी, बाकी काफी कुछ आ गया है। आई थिंक बस अच्छी कॉफी आनी रहती है। बाकी एयरपोर्ट इज क्वाइट गुड। जो मैं बहुत साल पहले यहाँ पे विजिट की थी तो ऐसा नहीं था, अभी बहुत चेंज हो गया। चलो भाई अपने अपने बैग लेके निकलो, उठाना नहीं है। इसमें पहिए किस लिए लगाए हैं? थोड़ा दिमाग लगा, बस जाना नहीं बेटा, गाड़ी के बिना चला जाएगा क्या? रुक तो। ओ ब्रो आपका बैग तो बहुत छोटा है। एक कैब यहाँ बुक हो गई, एक वहाँ बुक हो गई, मेरी कैब अभी तक आई नहीं है। तीन कैब्स करके हम लोग निकले हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा सामान फिट हुआ है। सब में कुछ कुछ लोग डिवाइड कर दिए, मेरे हिस्से में आए हैं ये तीन लोग। तो जी हम एंटर कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। मैंने इस रेलवे स्टेशन की इतनी तारीफ सुनी है। ओ तो एयरपोर्ट है भाई। ओ भाई साहब ये रेलवे स्टेशन है, अद्भुत। भाई साहब मैंने इतना सुंदर रेलवे स्टेशन नहीं देखा, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या क्या सुविधाएं एक यहाँ पे, एक से एक खाने पीने की। ओ भाई साहब स्टेशन के अंदर ट्रेन। चैलेंज किया है कि उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक शेक करनी है। जीजू उसमें नमक डालेंगे और पूरी पूरी कोल्ड ड्रिंक बिना गिराए एक बूंद भी अमन को पूरी पीनी है, उसको मिलेंगे 200 रुपए। अरे तू सैड हो जा। अरे मैं भी। अच्छा पहले मैं कर लूं। हाँ, तुझे लगे इजी है तब तू कर लियो। पीछे चेक कर। जादे जादे। बंदे की दुकान ना गिरा देना। नहीं लेकिन एक बात है, मुंह में लगने के बाद कुछ नहीं गिरा। अरे गिर तो गया है ना भाई, देखो 100 रुपए तो बनते जीजू फिर कैसे बनते हैं। यही चैलेंज बिगर चेक करे मिट्टी कर लेगी। मैं कर लूं। अच्छा बिगर चेक कर दो मैं भी कर लूं। ये क्या बात हुई, भेजा कर रहे हैं लड़के में 100 रुपए तो दो। हां भाई तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। अपनी बिगर हिलाई पी रहे हैं और अपनी कितनी सी लाई है जरा भाई, ये करके तो मैं भी कर लूंगा। अरे इसका इसका डर अभी तक गया नहीं है बचपन का। मेरी बहन को एस्केलेटर का इतना डर है, बचपन का डर है ये। आप तो नहीं डरते ना? ये देखो हम सब लोग एस्केलेटर में चढ़े हुए हैं, वो देखो अकेले जा रही है। देखो एक बार बचपन में इस पे गिर गई थी, उस दिन से आज तक ये कभी नहीं चढ़ती। और हमारी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शताब्दी। वो मिट्टी आमने सामने सीट से है, उनो खेलेंगे। वो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि वंदे भारत में तो आमने सामने सीट होती है, शताब्दी का पता नहीं, लेकिन ये अच्छा है। कौन सा है कोच नंबर अपना? बच्चे इकट्ठा कर रही है खाली ना, खाली बच्चे इकट्ठा करने में लगी है। ट्रेन चल गई हमारी, मिट्टी दूसरी बार ट्रेन में बैठ रही लाइफ, पहली बार शिरडी के लिए बैठी थी, दूसरी बार अब, और दोनों बार मेरे साथ। सी हाउ लकी यू आर, हर किसी को मौका नहीं मिलता मेरे साथ ट्रैवल करने का। वर्क लाइफ कितनी अच्छी होगी फिर। आई एम लिमिटेड एडिशन। घूम के आ गए ये लोग, जाने घूमी घूमी कहीं, अभी तो जाने घूमी घूमी कहीं। यार ये मिम्बो, ये मिम्बो, अरे अरे कौन सी आवाज़ थी? अरे ये मिम्बो, अरे उठ के जाओ।
कौन आया भाई, कौन आया? विकास आ गया क्या? आज मिले बाबा, ये मिला बच्चा, मेरा बच्चा। जी फाइनली मैं घर आ गई। बिना बोले चल घूमी चलेंगे। तो जी हमने ऑर्डर किया था मील्स ऑन व्हील्स दो जगह से, डोमिनोज से और एक और जगह से, और अब हमारी ट्रेन रुक रही है भोपाल में, और भोपाल में हमारा ऑर्डर आएगा, यहाँ से पिकअप करने के लिए गेट पे खड़े हो रहे हैं हम लोग। अरे दिख रहा होगा ना, हाथ में वो डब्बा लेके खड़ा होगा। हमें डोर पे हुई ब्लैक टी शर्ट में खड़े हैं। गंजा साथ भी खड़ा बोल दो। अरे बोल दो गंजा साथ भी खड़ा है। हाँ सही में पहचान में आ जाएंगे, सही बोल दे बहन। शर्मा मत। ये मैं शर्मा की जीजा जी है, कैसे गंजा बोलू? दिख रहा है कोई? दिख रहा है? हेलो आप आ गए? प्रतीक बांट रहा है कार्ड सबको। कंफ्यूज हो गया बांटते। अरे किसी को 9 दे दिए, किसी को 6 दिए। देख लेंगे ना, वो भी कितने हैं? अरे देख लेंगे। 10 पूरे हैं भाई। 10 हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है मेरे। अपने लिए 8 लिए, बाकी सबको। तो जी हम लोग ट्रेन में आगरा पहुंच गए, 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली, और इन्होंने कर दिया अमन के साथ प्रैंक। दिखा क्या प्रैंक किया। मैंने इसकी हेल्प करी है। फिल्टर लगाया मेरा भी कर दिया। ये तेरा आइडिया था? नहीं, हाँ ये भी मेरा ही आइडिया था मामा। ये आपकी रियल फोटो है। अगर आप मेकअप ना करो तो। हाँ मैं मेकअप करता हूँ। अविनाश द्विवेदी अनमास्क। तो आप बोलेंगे एक बार, आप फंस गए जी, अब जी फंस गई, अब नहीं आएगा अविनाश द्विवेदी एक्सपोज्ड। अनमास्क। अब फाइनली मास्टर माइंड के ऊपर हुआ है। दिखा बिना चश्मे वाला कितना क्यूट लग रहा है। दिखा ना दीदी को बिना चश्मे वाला। दीदी को भाई चक्का मार देगा भाई। ये तो जीत ही गए यार। अरे आपकी टीम टीम बदली थी आपने। तो जी हम लोग पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पागलों ने हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया। जा रही उसको छोड़ जा।
आप लोग भाग क्यों रहे हो? लेकिन तेरे से भाग रहे हैं तो मैं टाइम खराब कर रहा है। तक हम निकल अभी तक हम आधे रास्ते होते हैं। चल जा रही बेटा, जाओ मीठी अपने लिए जा। चलो यहाँ से ऑटो दिला देता हूँ। चलो तू नहीं दिलाएगा, तू ज्यादा नहीं दिला देगा, हम अपना आराम से बातचीत करके जाएंगे। नहीं नहीं चलो। तो जी मम्मी पापा ने तो हद ही कर दी, उन्होंने कहा तू मिट्टी को छोड़ के आ, हम लोग जा रहे हैं। कैब नहीं मिली तो भागने लगे, कहे हम ऑटो चले जाएंगे, हमें मत छोड़, हम ऑटो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। इतनी भगदड़ मचा दी, आधे लोग कुछ कैब में जा रहे हैं, आधे किसी में जा रहे हैं। मेरे को पहले मिट्टी को छोड़ने जाना है, मिट्टी को ड्रॉप करूंगा उसके घर पे, फिर वापस अपने घर जाऊंगा क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह कुछ काम है दिल्ली में। लेकिन मम्मी पापा ने इतनी हद मचा दी भगदड़ में, पूछो ही मत। मेरी मम्मी भी ना बहुत जिद्दी है, ऑटो से ही जाने को तैयार हो गई। तो जी सब लोग चले गए, भग गए, अब हम भी निकल रहे हैं फटाफट यहाँ से, मिट्टी को छोड़ने जा रहे हैं। चलो बाय बाय बाय। चलो बाय जीजू, बाय बेटा, बाय 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 तोता तोता। चलो चलो चल, बाय 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 अम्मा, चलो बाय बाय। चलो चलो मिट्टी को ड्रॉप कर दिया है, बाय मिट्टी, सी यू। तो जी मिट्टी को ड्रॉप कर दिया है, मिट्टी के मम्मी पापा लेने आ गए थे नीचे, मेरे को बहुत जल्दी थी क्योंकि मम्मी पापा को मैंने रेलवे स्टेशन पे बोल दिया था वो लोग चले जाएं, और अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, 50 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैं जाते ही सो जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ भाई साहब। ये ट्रिप बहुत मज़ेदार था, मतलब कि मस्ती करते करते थक गए। अब आप लोग को मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।